हेलो एवरीवन। सो फाइनली आई कुक चिली चिकन फ्रॉम स्क्रैच। तो मैं कुछ इससे पहले की बोलूँ बेटर कि आप लोग देख लो कि मैंने कैसे बनाया है, और अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरी टेक्निक्स अच्छे लगे हो, मेरा तड़का अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। सो लेट्स गेट तो यहाँ पे मैंने हाफ के जी चिकन लिया है और उसमें सबसे पहले मैंने उसमें 2 टीस्पून राइस फ्लावर ऐड किया है। उसके बाद हम हल्दी ऐड करेंगे थोड़ा सा जस्ट फॉर अ कलर के लिए, और उसके बाद हम ऐड करेंगे अपना सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर, वो भी आप अपने हिसाब से 2 टीस्पून डालना। ध्यान रखिएगा कि राइस फ्लावर कम डलेगा, कॉर्नफ्लावर उसका डबल डलेगा। फिर उसके बाद 1 टीस्पून हम लोग कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे, वो भी कलर के लिए आप लोग ले सकते हो। और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, उसमें आप लोग भी ऐड करिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उससे। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सरसों ऑयल डालेंगे और फूड कलर ऐड करेंगे। कलर के लिए ये ऑप्शनल है, ये आप लोग भी ऐड भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, जैसे आप लोग की मर्ज़ी। और बस उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके ताकि बहुत अच्छे से मसाला एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम इसको फ्रिज में 1 आवर के लिए रख देंगे। हाफ एन आवर के लिए भी रख सकते हो, बट अगर ज़्यादा मैरिनेशन के लिए रखो तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है उसमें। चिली चिकन बनाने के लिए जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ, उसके लिए हमने लिया है कैप्सिकम। ये मैंने 4 कैप्सिकम मीडियम साइज़ के कट किए हैं, 1 मीडियम साइज़ का मैंने अनियन कट किया है, ये कुछ ग्रीन चिली है, और ये गार्लिक है हमारा, और ये कॉर्नफ्लावर है ग्रेवी बनाने के लिए। इसमें अभी हम लोग पानी मिक्स करेंगे और उससे ग्रेवी अच्छी गाढ़ी बनती है। ये हमारा सोया सॉस, चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और टमाटो केचप और विनेगर, ये सारा मैंने एक साथ मिक्स करके रख दिया है, डालने में इजी पड़ता है। तो मैं आपको अभी धीरे धीरे बताऊंगी कि इसके बाद क्या करना है। और यहाँ पे मेरा चिली चिकन चिकन फ्राई हो रहा है, जिसको मैं मैरिनेट करके हाफ एन आवर तक रख दी थी। और नॉनवेज हम लोग यूटिलिटी एरिया में कुक करते हैं, किचन में कुक नहीं करते हैं। तो अब हम लोग इसमें जो भी हमने कट किया था वेजिटेबल्स, अनियन, कैप्सिकम, गार्लिक और ग्रीन चिली, उसको हम सरसों ऑयल में थोड़ा सा जीरा का तड़का देकर ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से हाई फ्लेम पे सॉटे करेंगे। याद रखिए कि इसको आपको सिर्फ 80% कुक करना है, पूरा कुक नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा क्रंचीनेस होता है ना, तो वो अच्छा लगता है। और जब अच्छे से सॉटे हो जाए हमारे वेजिटेबल, तो हम इसमें अपने सारे सॉस मिक्स कर देंगे। सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, टमाटो केचप और थोड़ा सा विनेगर, हम लोग सब इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, और इसमें बस एक बॉईल आने देंगे, तब तक का वेट करेंगे। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर में हम लोग ने पानी मिक्स करके डाला था, इससे क्या होता है कि आपकी ग्रेवी थिक होती है, और हो सके तो अगर आपको राइस के साथ खाना है तो आप इसमें और वाटर ऐड कर सकते हो, नहीं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना ग्रेवी चाहिए। सो फाइनली एक बॉईल आने के बाद हमने जो चिकन अपना फ्राई किया था उसको हमने ऐड कर दिया है। अब देखिए, आप लोग को अगर ग्रेवी और चाहिए राइस के साथ खाने के लिए, क्योंकि मुझे राइस के साथ खाना है, तो मैं थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करूँगी ताकि मुझे ग्रेवी अच्छा से चाहिए। और उसके बाद यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तीखा मतलब खाने में अच्छा लगेगा। सो फाइनली हमारा चिली चिकन रेडी हो गया। होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा।